रहमानिर्रहीम। ये डिजाइनर पिलो कवर बनाने के लिए हमने बुक में ड्राइंग किया है। ये हमने 9 बॉक्स में 5-5 चेक्स बनाई है। एक छोड़ के एक चेक्स लेना है। ऐसे हमें 4 ब्लॉक बनाने हैं। बीच में हमने 4-4 इंच छोड़ दिया है, यानी 4-4 बॉक्स छोड़ दिया है। तो बनने के बाद इस तरह रेडी होगी, जिसे हमें 26x26 कपड़ा चाहिए और हमने 1-1 इंच का बॉक्स बनाया है। इसी तरह हम कपड़े पे ड्राइंग करेंगे। ये 9 बॉक्स बनाए हमने, साइड में, ऊपर, नीचे, इसी तरह ये 9 बॉक्स रेडी हुए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक कॉर्नर पे ड्राइंग करेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर एक बॉक्स में चेक्स बनाएंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे। इस तरह 4 बॉक्स छोड़ेंगे और 5 में हम चेक्स बनाएंगे। इसी तरह हम ऊपर की तरफ भी टोटल लाइन में 5 बॉक्स आएगी, चेक्स आएगी, 5 बॉक्स में चेक्स आएगी। इस तरह साइड में ये हमने ड्राइंग पूरा कर लिया। अब बीच में जो लाइन है, इसमें हम 3-3 बॉक्स बनाएंगे, यानी एक लाइन में 5 रेडी होते हैं। आजू बाजू एक पहले कर चुके हम। इसी तरह ऊपर की साइड में, यानी एक लाइन में 5 बॉक्स रेडी होने चाहिए। इस तरह हमें 5 लाइनें बनानी है और बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है। मिडल में जो जगह है वहाँ पे एक बॉक्स हमें खाली छोड़ना है। इसी तरह सब में ड्राइंग कर लीजिए। अब ये बनाना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमने चारों कोने पर एक एक टांका लिया है और इसे गांठ मारकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने एक कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा फूल बनाएंगे। यहाँ पे पहले धागे को फिट करेंगे और फिर 4 टांका लेकर फूल कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन में हमने बहुत सारे डिज़ाइन बनाई है और इंशाल्लाह आगे भी अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहें और इस तरह ज़रूर बनाएं। ये दूसरा फूल भी कंप्लीट हो चुका है। ये हम तीसरा फूल बनाए। इसी तरह एक लाइन में 5 फूल बनाने हैं हमें। यह हमारा तीसरा फूल भी रेडी हो गया है। इसे भी गांठ मार लेंगे। ये टांका आपको पहले भी सिखा चुके हैं, तो इंशाल्लाह आता ही होगा। इसी तरह हम सभी फूल तैयार कर लेंगे। ये हमने पूरी एक लाइन चारों ओर से तैयार कर ली है। ये देखिए, अब ये मिडल के फूल है, ये हम बना रहे, ये बना लेंगे। ये अभी हम बीच के फूल बना रहे हैं, वो 3-3 फूल है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सारे फूल कंप्लीट कर दिए। ये जो बीच में एक फूल बाकी है वो हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आगे की तरफ से हम फूल बनाएंगे। ये देखिए, ये सारी स्टिच रेडी हो गई है। ये हमने सारे फूल कंप्लीट कर दिए हैं।
अभी ये जो कॉर्नर का फूल है, चार फूल, उसके बैक साइड के एक एक वी लेकर हम टाँका लेंगे, दो तीन और ये चार, इस तरह हम चार टाँका लेंगे और गांठ मार के इसको बंद कर देंगे, चारों वी को बंद करेंगे इस तरह और धागा तोड़ देंगे। इसी तरह ये जैसे बन गया वैसे ये कॉर्नर भी बंद करेंगे हम, चार फूल का एक एक वी लेकर इनसाइड का, अंदर की साइड से, और गांठ मार के बंद करेंगे। और इस तरह बंद करने से आगे की तरफ उपसी हुई डिजाइन तैयार होती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये तीसरा कॉर्नर, तो इसी तरह सभी फूल के एक एक कॉर्नर, एक ब्लॉक में चार कॉर्नर बंद करें, ये तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे हमें चार ब्लॉक है हमारे पास, तो चारों के चार चार कॉर्नर बंद करने हैं। ये हमने चौथा कॉर्नर भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक दो तीन चार, इसी तरह आगे की तरफ एक दो तीन चार, ये भी हमने बंद कर लिए हैं, ये तीसरा और ये चौथा, चारों कॉर्नर अच्छे से हमने बंद कर दिए हैं। अब ये जो बीच में है वी, इसको भी हमें सीना है, तो आमने सामने इस तरह आमने सामने वाले वी लेकर हम स्टिच करेंगे, इसको बंद करेंगे। ये हमने बंद कर लिया। अब ये जो बीच में है उसको हम, ये जो लाइन है उस पर टाका लेंगे, आड़ी लाइन पे, ये हमने जो मार्किंग किया था वो लाइन है उस पर हम इस तरह टाके लेंगे और इसको डबल स्टिच करके बंद करेंगे। धागा खींचेंगे नहीं, थोड़ा लूज छोड़ेंगे दो पत्ती के बीच में, और यहाँ दो से तीन टाका लेकर गांठ मार के कंप्लीट करेंगे। सुई को दूसरी साइड निकालेंगे ताकि यहाँ पे भी जो है उसे भी हम कंप्लीट कर सकें। इस तरह इसे भी बंद कर लीजिए, धारा बीच में धागा लूज रखें और इसको दो से तीन टाका लेकर गांठ मार के बंद करें। अब धागा को कट कर लें। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब इसी में ब्लॉक की एक साइड है, ये दूसरी साइड, ये जो कपड़ा है ये बाहर है, इसको अंदर करेंगे हम बैक साइड में। और ये स्टिच देखिए कैसा आया है, इसी तरह हमें सारी स्टिच लेनी है। ये मिडल वाला वी है, तो पहले हम आमने सामने वाला वी लेंगे, इसको गांठ मार के बंद करेंगे। अभी ये मिडल वाले वी में अच्छे से सेट करके फिर बीच में टाँका ले लीजिए, इस तरह टाका लेना है। इसे आगे की तरफ ये कपड़ा जाएगा नहीं, हमारी डिजाइन अच्छी बनेगी। इससे कि आगे की तरफ पैटर्न जो बनती है वो अच्छी लगती है और पीछे का कपड़ा आगे की तरफ नहीं जाता है, इसीलिए हम ये टाँके मारते हैं। अब ये वापस साइड के भी कंप्लीट करें। ये ब्लॉक की दूसरी साइड है, ऐसे चार साइड करें और चार बॉक्स के चार चार साइड कंप्लीट करके स्टिच कर लीजिए। ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया है। अब ये बनाएंगे, ये हमने चौथी साइड भी कंप्लीट कर दी है। ऐसे सारे ब्लॉक तैयार हो गए, देखिए इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अभी आगे की तरफ घुमा कर देखिए, अब ये जो साइड के है उसे भी पीछे की तरफ लेकर हमें टाँके मारने हैं। तो ये बैक साइड में इस तरह आमने सामने प्लेट अच्छे से बनाइए, चाहो तो आप प्रेस से उठा सकते हो इसको, और फिर इस तरह टाँके लगाने हैं। अच्छे से भी निकालिए इसका सभी का, और नीचे की तरफ जहाँ पे भी ख़त्म होता है वहाँ पे नीचे की तरफ से एक टाँका लेकर स्टिच करें, मजबूत काम करें। इसका भी वी सेट करिए, ऐसे सभी के वी बराबर सेट करके नीचे के कपड़े के साथ टाँके मारने हैं हमें, और कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं, बराबर हिसाब से रखें। देखिए पहले हमने वी पे टाँका उठाया, अब इस तरह रखकर पीछे के कपड़े के साथ हम सिलाई मारेंगे।
इस तरह करने से फिनिशिंग अच्छी आती है और प्लेटिंग का काम दिखता है, इसीलिए हम इसे प्लेटिंग पिलो कहते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेट लगती है, तो सारी प्लेट अच्छी सी बनाइए, मजबूत काम करें। ये हमने एक साइड कंप्लीट कर दी है, इसी तरह इधर भी करेंगे। इसको भी अच्छे से भी उठाकर एक टांका लेंगे और इस तरह फिट करेंगे, इसी तरह सब कंप्लीट करें। ये हमारी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई। अभी धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह चारों साइज में हम दो ब्लॉक के बीच में इस तरह प्लेट कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ रखकर हम प्रेस कर देंगे। ये जो हमने ऊपर साइड में प्लेट ली है, वैसे ही सामने साइड में और नीचे साइड में हमें लेना है नीचे की तरफ। पहले इन दोनों कॉर्नर को हम सेट कर देंगे और इस तरह टाके ले लेंगे। फिर ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर की प्लेट को इस तरह रखकर टाके लेंगे। जैसे हमने सामने प्लेट लिए हैं, ठीक उसी तरफ इसे भी लेकर हमें टाके लगाने हैं। ये हमने सारे टाँके इसी तरफ प्लेट टक करके लगा दिए हैं नीचे की साइड। देखिए, इस तरह प्रेस कर लेना है हमें, तो अच्छे से प्लेट फिक्स हो जाएगी। इसी तरह चार और करना है। ये जो मिडल में कपड़ा बचाया है हमने, इसको इस तरह चिपटी लेकर हम गोल घुमाकर फूल तैयार करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और बीच में सुई से टाका ले लेंगे। अगर आपको इस तरह नहीं जमता है तो सुई को इस तरह आधा सेंटीमीटर सुई पे कपड़ा लीजिए और गोल घुमाइए। सुई को इस तरह गोल घुमाकर ट्विस्ट करें कपड़े को। इस तरह भी हम फूल बना सकते हैं। ये देखिए, अभी सुई को खींच लीजिए नीचे की तरफ। ये हमने सुई वापस निकाल ली और बीच में टाका ले लिया। इसमें सारी प्लेट के ऊपर टाका आ जाता है तो फूल फिक्स हो जाता है। ये देखिए, आप चाहे तो और एक टाका ले सकते हैं। ये हमने दूसरा टाका भी ले लिया और पीछे की तरफ दो टाके लेकर हम गांठ लगा लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत फूल बना है। इसी तरह चारों बॉक्स में बना लीजिए। ये देखिए, इस पे बाकी है और एक बना रहे हम। एक टांका लिया, एक आधा सेंटीमीटर हमने सुई पे कपड़ा लिया, अब इसे ट्विस्ट करेंगे। ये हमने ट्विस्ट कर लिया, सुई को वापस निकाल लिया और ऊपर से नीचे की तरफ एक टांका ले लेंगे। ये दूसरा टांका, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। अब पीछे हम टांका लेकर
धागा कट कर लेंगे। ये जूम करके बता रहे हैं आपको, देखिए कितना अच्छा फूल लग रहा है। अभी हम 16x17 का एक पीस लेंगे, इसमें हम ऊपर की तरफ चेन लगाना सिखाएंगे आपको। ये भी 16x17 रेडी हुआ है, ये देखिए। अब जहाँ लंबाई ज़्यादा है वहीं पे चेन लगाना है। उसके पहले हम ये प्लीट बना लेंगे, जिस तरफ हमने टाँका लिया है उसी तरफ रख कर सिलाई मार लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। अब लंबाई की तरफ हम चेन लगाएंगे। इसके लिए सीधे पे सीधा रख कर आधे इंच पे सिलाई देंगे, और सिलाई बड़ी सिलाई देंगे बड़ा टाका करके, ताकि बाद में हम खोल सकें। अब इसके ऊपर इस तरह सीधी चेन रखेंगे और चार और सिलाई देंगे इसे, यहाँ से इस तरह। ये हमने चेन लगा ली है, देखिए 1 सेंटीमीटर दूर सिलाई मार के। अब चेन के पास से फोल्ड करके हम तीनों साइड सिलाई कर लेंगे इस तरह यहाँ तक। ये हमने सिलाई कर ली है, इंटरलूप भी कर लिया है, देखिए ये पल्टी कर लिया है। अब ये जो बीच में खाली जगह बची है यहाँ पे हम फूल बनाएंगे। आपको दो तरह से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो फूल बनाइए। ये पहले हमने सैटिन रिबिन से टाँका ले लिया है, और इस तरह 5 पत्ती बनाएंगे, यानी 5 तरफ टाँका लेकर 1.5 से 2 इंच का गैप रख के नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर वापस मिडल में लाएंगे सुई को। ये और एक टाँका ले लिया, अभी हम मिडल में सुई लाएंगे तो ये दूसरी पत्ती बन जाएगी। इस तरह 5 पत्ती बना लीजिए। ये 4 हो गई, हम 5वीं पत्ती बना रहे हैं। पीछे की तरफ हम गांठ लगाकर रिबिन को कट कर देंगे। ये हमने गांठ लगा दी है, ये कट करेंगे और थोड़ा सा इसके धागे जला देंगे और दोनों को साथ में चिपका देंगे ताकि रिबिन खुल ना जाए। अब ये हमारे पास लेस है, इसको हम यहाँ नीचे रख कर 2 टाँके मार लेंगे। इस तरह करने से रिबिन फिक्स हो जाएगा और जॉइंट पता नहीं चलेगा। अब जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ पे हमारी लेस नीचे की तरफ है, तो दूसरे पेटल्स पे ऊपर आनी चाहिए, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह झिकझक लेना है हमें। अब जहाँ पे नीचे है वहाँ पे ऊपर, और ऊपर है वहाँ पे नीचे, इस तरह हमें गोल घुमाते हुए लेस को ख़त्म करना है। अब एक छोड़ के वापस हम जो पहले नीचे है उसको ऊपर लेंगे, ये ऊपर के रिबिन को छोड़ेंगे, नीचे वाला रिबिन लेंगे। तो इस तरह फूल तैयार करेंगे। ध्यान से देखिए आप साटिन रिबिन से भी बना सकते हैं, लेस से भी बना सकते हो। अब इसी तरह गोल घुमाते हुए हम लेस को ख़त्म करेंगे।
देखिए कितना अच्छा लगता है। ये हमने 1.5 मीटर लेस ली है, आप कम लेना चाहो तो कम ले सकते हो। ये हमने लेस ख़त्म की, बाकी का सिरा जो है नीचे की तरफ दबा दीजिए। ये बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए इस तरह बनाइए। अब हम और एक पैटर्न्स बता रहे हैं आपको। ये हमने 4 इंच के 2 टुकड़े और 6 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं, इसे मिडल में फोल्ड करेंगे इस तरह और टाका लगाएंगे। ये हमने टाका लगा दिया। अब ये दूसरा जो है इसको भी सेम फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर ही रख कर वापस नीचे से टाका लगाएंगे ऊपर की तरफ। डबल टाका लेंगे तो फिक्स हो जाए। अब ये जो बड़ी पट्टी है उसको भी बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ मिडल में क्रॉस में रख कर इस तरह टाका लेंगे। सेम इसी तरह ये दूसरी बड़ी वाली पट्टी भी। ये हमने टाके लगा दिए हैं, फिक्स कर दिया है। अब इसे हम जो मिडल है जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक बीच में लगा देंगे इस तरह। नीचे की तरफ टाका ले जाएंगे, वापिस ऊपर लाएंगे इस तरह। 2 से 3 टाका लगा लीजिए अब, ताकि ये फिक्स हो जाए। आपको इससे भी अच्छे अच्छे फूल सीखने हैं तो हमारा एक चैनल और है NS आर्ट क्लासेस, उस पर बहुत अच्छे फूल सिखाए हैं, बटन बनाना सीखा है, तो आप ज़रूर देखिए। आपको ये पिलो कवर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।